हेलो। तो आज हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम का हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर वेन डायग्राम में होता क्या है, तो हम लोग आते हैं इसके बारे में, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं वेन डायग्राम क्या बताया गया है यहाँ पे, मेनली क्या होता है। हम लोग इसे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो होता है द मेन एम ऑफ द सेक्शन इज टू टेस्ट योर एबिलिटी अबाउट द रिलेशन बिटवीन सम आइटम्स ऑफ ए ग्रुप बाय डायग्राम। यानी कि आपका इसमें एबिलिटी को जांचा जाता है कि आपकी जो सोचने की एबिलिटी है, आप ग्रुप्स को किस तरह से आप डिफरेंट कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी सोचने की एबिलिटी का पता लगाया जा सकता है। एग्जांपल जैसे कि इफ़ ऑल द वर्ड्स आर डिफरेंट ग्रुप, सभी अगर अलग अलग हैं तो इसका आप वेन डायग्राम, आपका दिमाग में किस टाइप का डायग्राम इस बनना चाहिए, इसे हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला हम लोग कर सकते हैं कि पहला हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं पहला। तो आइए देखते हैं पहला बताया गया है क्या। पहला बताया गया है कि पेन है, पेंसिल है और स्टेशनरी है। हम लोग जानते हैं कि पेन है, पेंसिल है। पेन भी क्या है और पेंसिल, ये दोनों ही किस में आता है, ये दोनों ही स्टेशनरी के अंदर में आता है। तो हम लोग एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। किसका बनाएंगे, सबसे पहले स्टेशनरी का एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। ये किसका गोला है, ये है स्टेशनरी, STATION ERY, ये स्टेशनरी का गोला है। यानी कि स्टेशनरी के अंदर में क्या आएंगे, स्टेशनरी के अंदर में पेन भी आएंगे और पेंसिल भी आएंगे। यानी कि ये पेन का गोला हो गया, ये किसका गोला हो गया, ये पेन का गोला हो गया और यहाँ पे एक पेंसिल का गोला हो गया, पेंसिल का गोला हो गया। तो ये बन जाएगा इसका वेन डायग्राम। अगर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स है, बॉयज़ है और गर्ल्स है। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। लेकिन सिर्फ बॉयज़ ही स्टूडेंट नहीं होते हैं और सिर्फ गर्ल्स ही स्टूडेंट नहीं होते। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टूडेंट का एक गोला बनाएंगे, ये हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट का गोला हो गया और इसके अंदर में आएगा एक बॉयज़ का गोला आएगा, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर में बॉयज़ भी आते हैं और गर्ल्स भी आते हैं। तो ये बन जाएगा इसका वेन डायग्राम। आप लोगों को इसी तरह करके बनाना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। धीरे धीरे हम लोग जो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं उसे भी हम लोग करेंगे, पहले हम लोग इजी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, बॉयज़ स्टूडेंट एंड एथलीट्स, हम लोग देखते हैं कि कुछ बॉयज़ क्या हो सकते हैं, थोड़े समय के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम झेलना पड़ा। हाँ, तो हम लोग कर रहे थे बॉयज़ स्टूडेंट एंड एथलीट्स। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, एक बॉयज़ का गोला बनाते हैं, स्टूडेंट्स और एथलीट्स। कुछ बॉयज़ का गोला होगा, क्या होगा, कुछ बॉयज़ का गोला होगा, इसे मैं थोड़ा सा थिकनेस कर लेता हूँ। कुछ क्या होगा, कुछ बॉयज़ का गोला होगा, कुछ बॉयज़ का गोला होगा, कुछ क्या होगा, कुछ बॉयज़ का गोला, ये क्या होगा, ये बॉयज़ का गोला होगा, BOY बॉय का गोला, ये लड़कों का गोला है। और क्या होंगे कि सभी लड़के स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है, तो कुछ लड़के क्या होंगे, इसमें से कुछ लड़के स्टूडेंट्स भी होंगे, इसमें से कुछ लड़के स्टूडेंट भी होंगे, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। और कुछ लड़के इसमें क्या होंगे कि कुछ बॉयज़ एथलीट्स भी होंगे और कुछ बॉयज़ स्टूडेंट भी होंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह, एथलीट कुछ बॉयज़ क्या होंगे, एथलीट्स होंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, मैं क्लीन से बता दे रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे बना बॉयज़ का गोला, यहाँ पे स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे बन जाएगा ये हम लोग का एथलीट्स का, ये बनेगा इसका वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसे मिटा के नेक्स्ट में जाते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं वुमेन, सिस्टर और मदर्स। क्या होती है कि जो सिस्टर्स होती है वो भी वुमेन होती है, मदर्स वो भी वुमेन होती है। तो इसका जो वेन डायग्राम है हम किस प्रकार बनाएंगे, हम लोग आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वुमेन है, सिस्टर्स है और मदर्स है। वुमेन का एक बड़ा सा राउंड होगा, क्योंकि वुमेन ज़्यादा वाइडर टर्म है। वुमेन के अंतर्गत सिस्टर भी आती है और मदर्स भी आती है। कुछ सिस्टर्स होती हैं आपकी बहनें, जो कुछ माएँ बन चुकी हुई है, और कुछ मदर्स हैं जो सिस्टर्स हैं, किसी के सिस्टर्स हैं। तो कुछ सिस्टर्स मदर्स हो सकती है। तो इसका वेन डायग्राम ये हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हम लोग कुछ छोड़ दिए थे, डॉग, काऊ और हॉर्स में हम लोग क्या सिमिलरिटीज पाते हैं कि डॉग के भी चार पैर होते हैं, काऊ के भी, हॉर्स के भी। लेकिन काऊ और हॉर्स क्या है, काऊ और हॉर्स है कि ये शाकाहारी प्राणी है और डॉग मांसाहारी प्राणी है। तो इसे हम लोग डिफेंड अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे कि हॉर्स का एक अलग बनाते हैं, हॉर्स और काऊ,
एक अलग होंगे, ठीक है, और हॉर्स काव अलग हो गए, और क्या बताया गया है कि डॉग, ये जो डॉग है ये अलग हो गया, तीनों इसमें अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, यूनिट टेंस एंड हंड्रेड्स, इसे हम लोग छोड़ते हैं थोड़ा टेम्प्रोरी बेसिक के लिए, हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में। आप लोगों का समय बर्बाद नहीं किए बिना आप लोग बेसिक से पूरा सीखिएगा मेरे इस वीडियो में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेंटली रिप्रेजेंट द लायंस अल्फाबेट एंड एनिमल्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखते हैं क्या बताया गया है क्वेश्चन में। क्या बताया गया है कि लायंस एलिफेंट एंड एनिमल्स को कौन बताता है, लायंस शेर है, हाथी है और जानवर है। तो देखते हैं हम लोग कि जानवर का एक बड़ा सा गोला है। वहीं इसके अंदर में कि ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर में शेर भी आ जाएगा और इसके अंदर में क्या आ जाएगा, हाथी भी आ जाएंगे। यानी कि ये जो हम लोग का, ये मुझे सही लग रहा है। अब आप लोगों को देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस किस प्रकार गलत हो सकते हैं। कि ये जानवर का अगर हम लोग इसको देखें, अगर बीच वाला को हम लोग किया, हमारे बीच वाला को अगर हम लोग जानवर को मानते हैं, जानवर हो तो कुछ जानवर हाथी हैं क्या, ऐसा है, और या फिर कुछ जानवर शेर है क्या, ऐसा है। आप लोग को लगता है कि कुछ जानवर हाथी है, कुछ जानवर शेर है। जानवर तो हाथी भी है और शेर भी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो अगर इसे कुछ हाथी मान लेते हैं, ये हाथी है और ये जानवर है, यानी कि कुछ हाथी जानवर है और शेर क्या है, अलग है, नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अगर हम लोग इसे जानवर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसे हम लोग जानवर मान लेते हैं, इसे हाथी मान लेते हैं और इसे शेर मान लेते हैं, तो ये भी गलत है, कुछ हाथी जानवर नहीं है, यानी कि ये भी ऑप्शन नंबर गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हम लोग का राइट हो जाएगा। किस प्रकार राइट होगा, मैंने आप लोग को बता दिया एकदम बेसिक से। ये सभी सवाल आप लोग करते जाएंगे तो आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटैटो भुज एंड, क्या बताया रहा है, पोटैटो फूड एंड वेजिटेबल का रिलेशन क्या है। पोटैटो और फूड किसके अंदर में आते हैं, पोटैटो और फूड वेजिटेबल के अंदर में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए गलत है, वेजिटेबल्स के अंदर में क्या आते हैं, पोटैटो आते हैं। पोटैटो के अंदर पोटैटो तो आता ही है, फूड के अंदर में क्या है, फूड के अंदर में क्या जाइए, वेजिटेबल्स के अंदर में आएंगे, फूड के अंदर में आएंगे पोटैटो। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी क्या है, किस प्रकार गलत है, यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फूड के अंदर में सबसे बड़ा गोला जो है, सबसे बड़ा गोला फूड का बड़ा गोला बनेगा। फूड के अंदर में आएगा वेजिटेबल्स, ये किसका, वेजिटेबल्स का है। वेजिटेबल्स के अंदर में ही क्या आ जाएंगे हम लोग का, पोटैटो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेंटली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टी कॉफ़ी एंड वेजिटेबल्स, चाय कॉफ़ी और वेजिटेबल्स नहीं है, बिवग्रेक्स है, यानी कि चाय कॉफ़ी और कुछ है शायद, इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए टी कॉफ़ी और बिवग्रेक्स, ये बिवग्रेक्स का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को थोड़ा देख के बताता हूँ, इसके लिए मैं आप लोग से थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज़ एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स, बॉयज़ एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स का कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। कुछ बॉयज़ एथलीट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, तीनों मिल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स एथलीट्स हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बॉयज़ भी हो सकते हैं, कुछ बॉयज़ एथलीट्स हो सकते हैं, कुछ बॉयज़ स्टूडेंट हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। अब आप लोग बताइए, सिलेक्ट द डायग्राम विच करेक्टली इलस्ट्रेटेड विद इन थीफ क्रिमिनल एंड जज, थीफ क्रिमिनल एंड जज में क्या हो सकता है कि थीफ क्रिमिनल एंड जज, इसका वेन डायग्राम किस प्रकार बनेगा, कुछ थीफ
क्रिमिनल है ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ थीफ क्या है, क्रिमिनल है ये हो सकता है, लेकिन कुछ जज क्या क्रिमिनल है या फिर थीफ है, नहीं। यानी कि जज का जो गोला है वो अलग बनेगा, जज का गोला क्या है अलग बना है, ये ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब जो गुनाह करते हैं, उसके अंदर में क्या चोर भी, डाकू, ये सब भी आता है। यानी कि थीफ का गोला में क्या आ जाएगा, थीफ का गोला, क्रिमिनल का गोला में थीफ आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इसके साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट और लाइक कर दीजिए, लाइक है अब हम लोग के लिए मोटिवेशन है आप लोग का। उसके बाद क्या है, उसके बाद बताया गया है ट्रैवल ट्रेन एंड बस, यानी कि आप लोग किस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन एंड बस, ट्रैवल्स ट्रेन एंड बस। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है कि ट्रैवल्स ट्रेन में भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, बस में भी ट्रैवल करते हैं, या तीनों अलग अलग है, नहीं तो क्या हो सकता है कि इसका उत्तर हो सकता है मेरा ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं, देख सकते हैं हम लोग, अभी मैं लिखने वाला हूँ, मैं क्योंकि ट्रैवल करते हैं, कभी बस में करते हैं तो कभी ट्रेन में करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या बताता है, प्रॉफिट डिविडेंड एंड बोनस, यानी कि प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, डिविडेंड का भी मतलब होता है लाभ, बोनस का मतलब होता है जो हम लोग को मिलता है कंपनी में किसी त्यौहार में बोनस मिलता है वो, डिविडेंड मतलब होता है मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है कुछ बेच के, कुछ किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेच के जो प्रॉफिट मिलता है वो। तो ये तीनों किस प्रकार से रिलेटेड हैं हम लोग ये देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए आप लोग सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट हम लोगों को क्या बोनस मिलता है तो वो प्रॉफिट होता है, बोनस मिलता है तो वो भी प्रॉफिट होता है, और डिविडेंड मिलता है यानी कि कुछ अलग से अगर हम लोग को कहीं पे डिविडेंड मिला है तो वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है, इधर हमने छोड़ दिया क्या कुछ, यस। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन एंड मदर्स, के बीच में बेस्ट रिलेशन कौन सा, वुमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स, देख लेते हैं हम लोग कि वुमेन का एक बड़ा गोला होगा, वुमेन का क्या होगा, वुमेन का एक बड़ा सा गोला होगा, वुमेन का क्या होगा, वुमेन का एक बड़ा सा गोला होगा। वुमेन के अंदर में कौन आएंगे, वुमेन के अंदर में कुछ मदर्स भी होंगे, वुमेन के अंदर में कुछ मदर्स होंगे, ठीक है। और क्या बताया गया, और इंजीनियर्स, कुछ मदर्स होंगे जो इंजीनियर होंगे, कुछ वुमेन्स होंगे वो इंजीनियर होंगे, यानी कि इंजीनियर, कुछ मम्मियाँ होंगी वो भी इंजीनियर होंगी, कुछ औरतें होंगी जो मम्मियाँ नहीं होंगी वो भी इंजीनियर होंगी। तो इसका वेन डायग्राम ये बनेगा, ये कौन सा डायग्राम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर है। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन टीचर मेन एंड वुमेन, टीचर मेन एंड वुमेन के बीच में क्या दिखाता है, टीचर्स क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, शिक्षक का एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स के अंदर में क्या होते हैं, कुछ हम लोग के सर भी होते हैं, कुछ हम लोग के मैडम भी होते हैं, तो मेन भी होंगे कुछ एंड कुछ वुमेन भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए में सही मार दीजिए, ये हो जाएगा वेन डायग्राम। एंड नेक्स्ट हम लोग अब लास्ट हम लोग का शायद सवाल बचा है, बताया गया है स्वीट रसगुल्ला एंड एप्पल, रसगुल्ला तो फेमस है कोलकाता का, आप लोग कभी आइए तो ज़रूर खाइए, एप्पल, एप्पल कश्मीर का, एंड स्वीट्स बंगाल का, वो स्वीट्स बहुत मस्त है, ठीक है, ज़्यादातर मैंने सुना है। तो स्वीट्स रसगुल्ला और एप्पल, स्वीट्स का एक बड़ा सा गोला होगा, आप लोग जानते हैं स्वीट्स का एक बड़ा सा गोला होगा, स्वीट्स के अंदर में क्या आएगा, स्वीट्स के अंदर में रसगुल्ला आएगा और रसगुल्ला, और वहीं क्या एप्पल, क्या एप्पल फ्रूट में आता है तो एप्पल का गोला अलग बन जाएगा। ये किस कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए एंड धन्यवाद। अगर कहीं पे मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं नया नया अभी थोड़ा बिगनर हूँ, फ्रेशर हूँ, मैंने नया नया स्टार्ट किया है पढ़ाना।